Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है वही पेपर की बीएसटीसी पेपर की अपन रीजनिंग में सॉल्व करेंगे। तो आज मैं 5 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपका अपना जो की है वो चेक कर लेना। तो किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। आपकी जो बीएसटीसी का एग्जाम लगा था 31 अगस्त को लगा था, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परीक्षा में राज मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों से सबसे कम नहीं थे, अंकों की अवरही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी आते हैं, पटवार में भी आते हैं, अदर डिफरेंट कंपटीशन में भी आते हैं, चाहे एसएससी जीडी है, बाकी हर टाइप के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, तो मुकेश से ज्यादा अंक किसको मिले, तो आपको एक ये बनाना है मुकेश से ज्यादा अंक किसको मिले, राज को मिले, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। किंतु प्रिया जितने नहीं, किंतु का मतलब ये होता है कि आप राज से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, इतने नहीं। और बाद में पूछता है कि प्रिया इतने नहीं, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, यानी गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले प्रिया को, आप इस प्रकार से बना सकते हो। और फिर देन इसके बाद में आपको क्या करना है, परंतु उसके अंकों के पांच सबसे कम नहीं थे, किन के, यानी किंतु, परंतु यह पूछा है किसके अंक नहीं थे, तो गौरव के नहीं थे सबसे कम अंक, गौरव के मतलब फर्स्ट से, किंतु आ जाए या किंतु परंतु ये आ जाए तो इसका संबंध उसी से होता है, फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। तो गौरव को मतलब सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए, और इसके बाद गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए परंतु उसके इस प्रकार से, तो देखना प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, मतलब प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, और ये बोल रहा है कि इसमें मुकेश को राज से ज्यादा अंक मिले परंतु प्रिया इतने नहीं मिले, ठीक है। इन पांचों के सबसे क्रम के अंदर अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है, मतलब दूसरे स्थान पर मतलब अवरोही क्रम, एक आरोही क्रम, दो क्रम पूछे जाते हैं, एक तो आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, इसका में क्या फर्क होता है। आरोही क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर चलना होता है, और अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर चलना होता है। तो अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर पूछा है, तो बड़ा ये है, फिर दूसरे स्थान पर ये है, पहले स्थान पर ये है, दूसरे पे है, तो इसमें आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर राज आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा राज आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का और देखना आप क्या आंसर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए पांच मित्रों में ए बी और डी की तुलना में भारी है, तो इस प्रकार से बी और डी मतलब बी और डी की तुलना में भारी कौन है, ए है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, सी है वो डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में हल्का है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, इस स्थान पे सी आ जाएगा, मतलब बी डी यहाँ पे देखा डी की तुलना में हल्का है, तो डी की तुलना में क्या बोला इसने, ए बी और डी की तुलना में ए भारी है और डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में कौन है, डी की तुलना में कौन हल्का है, सी है, मतलब क्या बोला इसने, डी की तुलना में सी हल्का है, डी की तुलना में हल्का कौन है, सी है, बाद में क्या बोला है बी, और फिर बाद में क्या बोला है डी की तुलना में हल्का है, तो डी की तुलना में हल्का है बी, तो ये इस प्रकार से नहीं आएगा, डी की तुलना में हल्का है बी, इस प्रकार से आएगा, तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा,
इस प्रकार से पांच मित्रों में ए बी और डी की तुलना में भारी है, तो डी और बी की तुलना में भारी है, और फिर पूछा है डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में हल्का है सी, ठीक है, तो बी और कौन है डी की तुलना में हल्का है, तो डी की तुलना में कौन हल्का है, बी हल्का है, और डी की तुलना में हल्का कौन है, डी की तुलना में हल्का सी है, लेकिन इसे भारी है, लेकिन क्या है, इसे भारी है, लेकिन इसे भारी है, पर सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, ये ए आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। इस टाइप से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है जहां जहां से क्वेश्चन, पांच मीटर में बी और डी की तुलना में कौन भारी है, ए भारी है, तो ए ऊपर आ जाएगा। फिर पूछा गया है कि डी की तुलना में हल्का है सी, तो डी की तुलना में हल्का है सी, तो डी के नीचे आएगा सी, डी के नीचे सी आएगा, और पूछा है डी की तुलना में बी हल्का है, डी की तुलना में बी हल्का है, तो ये यहां से आप रिप्लेस अलग अलग रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे भारी है, लेकिन सबसे भारी कौन है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहां से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि ये मेरे मामा के पिता की लड़की का लड़का है, लड़की हम लड़के से क्या संबंध है, तो एक लड़के का परिचय करते कराते हुए एक लड़की, तो लड़का लड़की परिचय कराते हुए बोली कि ये मेरे मामा, मतलब यहाँ पे लड़के और लड़की तो एक ही जनरेशन में है, इनको लिखना है, तो ये लड़की है, लड़के और लड़की है, लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, लड़की बोलती है, इसको बोलती है, लड़की इसको बोलती है कि ये मेरे मामा के, ये मेरे मामा के, मामा के, मामा के पिता, मामा के पिता, मामा के पिता, पिताजी की लड़की, पिताजी की लड़की, पिताजी की लड़की, पिताजी की लड़की के का लड़का है, लड़की का लड़का है। इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि मेरे मामा जी के पिता जी के एक लड़के का लड़का है, तो हम लड़के लड़के का संबंध क्या है, तो ये लड़के और लड़की है, इस प्रकार से इस लड़की के मामा जी है, मामा जी के पिताजी है, पिताजी के लड़की है, और ये लड़के हैं, तो ये तो आपस में तो भाई बहन हो गए, और ये भी अपने आपस में भाई और बहन हो गए, इस प्रकार से आप भाई और बहन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, भाई और बहन आ जाएगा, क्योंकि अब जो लड़की है उसके मामा, मामा के पिता, अपने नाना, नाना की जो लड़की होती है अपनी माँ लगती है, और माँ के जो दो बच्चे हैं लड़के और लड़की, तो ये आपस में क्या हुए, भाई और बहन हो गए, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कुछ टाइप के क्वेश्चन और है तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो अब आगे आपको क्वेश्चन कैसे करना है देखना। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, जैसे कि यहाँ पे लौंग है, लौंग है, फिर थी इसमें काली मिर्च थी, यहाँ पे काली मिर्च थी, काली मिर्च थी, और तीसरा ऑप्शन था दालचीनी, दालचीनी था, और फिर फोर्थ था खुबानी, खुबानी था। इस प्रकार से चार ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इनमें से अलग कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारे तीनों क्या है, सेम है, ये अलग था बस इसके अंदर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और आया था इसमें, छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि कोई नंबर सीरीज थी, दो पांच, फिर था नौ उन्नीस, फिर सैंतीस, इसके बाद में क्या आएगा, एक ये क्वेश्चन था, दो पांच नौ उन्नीस सैंतीस, ये था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से पूछा गया था, तो इसमें क्या है कि दो को मतलब दो से मल्टीप्लाई किया है, प्लस एक किया है, इसको क्या किया है, दो से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद में एक माइनस किया है, उसी के बाद में इसको क्या किया है, दो से मल्टीप्लाई किया है और फिर प्लस एक किया है, उसी प्रकार इसको क्या है, दो से मल्टीप्लाई किया है माइनस एक किया है, उसी प्रकार इसको क्या करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है प्लस एक करना है, तो 37, 74, 175, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 75। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था,
कि पहले दो से मल्टीप्लाई एक ऐड हो रहा है, फिर दो से मल्टीप्लाई एक घट रहा है, फिर दो से मल्टीप्लाई एक ऐड हो रहा है, दो से घटाओ फिर ऐड, इस प्रकार से नंबर सीरीज चलती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 75। तो एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो अलग अलग क्वेश्चन से आए हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल बढ़िया है, क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन छोटे वाले क्वेश्चन इजी थे, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जैसे उनको कई कंपटीशन लेवल के अंदर मैथ में काउंट करते हैं, कई में रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं, बाकी आपके बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग में वो क्वेश्चन नहीं थे, वो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है तो उनको वो दो चार क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और वो सही कर सकते थे, बाकी तो सब मतलब उसको सारे प्रश्न करने अनिवार्य थे, तो कुछ लोगों ने तुक्के मार के ही कि उनको किया है क्वेश्चन को। तो आपको लोगों को बता देता हूँ कि चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे तो वो पूछने लायक नहीं थे, आपके सिलेबस रीजनिंग से बाहर थे, बाकी कई एग्जाम में पूछ भी लेते हैं रीजनिंग में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बताए। बाकी एक क्वेश्चन और है, जैसे एक क्वेश्चन आया था एस सी डी और यहाँ पे टी ई फिर एफ फिर यू जी एच आया था, फिर ये खालिस्तान था और फिर था डब्ल्यू के एल, इस प्रकार से क्वेश्चन था, कोई एस सी डी टी ई एफ यू जी एच फिर यहाँ पे खालिस्तान था और फिर डब्ल्यू के एल था, तो इसको किस तरीके से आप सोल्व करते हो, इसमें मैंने वीडियो में बताया पैटर्न एक रूल लागू होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एस टी यू फिर आना चाहिए वी फिर था डब्ल्यू, इस प्रकार से तो यहाँ पे वी आना चाहिए था, फिर यहाँ पे सी फिर एक छोड़ के यहाँ पे एक प्लस किया डी ई आया, ई के बाद एफ जी फिर जी के बाद जी के बाद एच फिर आई फिर यहाँ पे आई आना चाहिए आई फिर जे और के आ रहा है कंप्लीट हो रहा है इस प्रकार से देखिए, और इस प्रकार से देखना डी के बाद में ई एफ मतलब इसमें प्लस एक का है, इसी प्रकार इसमें एफ जी एच फिर आई और जे, तो ये जे जे आएगा यहाँ पे जे फिर के और एल, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी आई जे, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर, तो ये इजी क्वेश्चंस थे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे और उनमें टाइम ज्यादा लगता था, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ये हर कोई बच्चा मतलब सही कर सकता था। आप लोगों का जो पेपर आया था बीएसटीसी के अंदर 2020 31 दिसंबर को जो पेपर लगा था आपका 2 से 5 यानी 31 अगस्त, आपको 31 अगस्त 2020 को जो 2 से 5 लगा था पेपर, ये पेपर इसमें जो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे, आपके 50 क्वेश्चन के आए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्या है कि हर बच्चा 25 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट ने लगभग ने जिसको आते हैं वो सही कर दिए थे 25 क्वेश्चन, देन बाद में कितने बच्चे से 25 क्वेश्चन बचे, 25 में से 10 क्वेश्चन वो बच्चे सही कर पाए जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, और फिर क्या बचे 15 बच गए यहाँ पे, 15 में से 10 क्वेश्चन वो है जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसकी तैयारी अच्छी है, रीजनिंग में पकड़ अच्छी है और जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो बंदे सही कर पाए, और 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी मैथमेटिक्स भी आपको स्ट्रांग होनी चाहिए और रीजनिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको जहाँ से अगर आपने खूब सारी तैयारी की है तो 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने के बाद में अगर अच्छी तैयारी की है तो 5 क्वेश्चन कर पाता था, मतलब एक पढ़ने वाला स्टूडेंट 45 क्वेश्चन प्लस कर सकता था, मैथमेटिक्स जिसको आती है और अच्छी तैयारी कर रखी है तो 45 क्वेश्चन सही कर सकता था प्लस में, बाकी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपके अधिकतम स्टूडेंट के मिलेंगे 35 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 35 के आसपास के क्वेश्चन मिलेंगे आपको अधिकतम स्टूडेंट के सही करने वाले मैथ के, इससे ज्यादा रीजनिंग के 35 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा, किसी का 30 किसी का ये 30 हो सकता है, किसी का ये 40 हो सकता है, इसके आसपास स्कोर रहेगा अधिकतम स्टूडेंट का, रीजनिंग में 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन लगभग बच्चों ने सही किए, 40 प्लस तो कम मिलेंगे, 45 प्लस बहुत कम मिलेंगे, बाकी 30-40 की रेंज में है आप लोगों का पेपर इस टाइप का था। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।